मेरठ के शाहपीर गेट चौराहे पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कल एक्सीडेंट में घायल हुए गुड्डू नाम की व्यक्ति की आज उपचार के दौरान ही मौत हो गई। महिलाओं ने स्थानीय निवासियों के साथ गुड्डू की बॉडी सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, साथ ही एक्सीडेंट करने वालों को गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। घंटों लगे जाम से आने जाने वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह गुस्साए परिजनों को शांत कराया, साथ ही हर संभव आर्थिक मदद की बात कही। गौरतलब है कि कल दोपहर स्पॉट कारोबारी के नाबालिग बेटे ने अपनी कार से 3 गाड़ियों में टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घर जा रहे गुड्डू भी उसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। ये सदर थाना सीट में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ऐसा नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई। जो ड्राइवर था वो माइनर था, उसको गिरफ्तार किया गया था। 304A की धारा लगी थी। यहाँ लोगों पर मांग थी कि इसका परिवार में 6-7 बच्चे हैं और काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। साथ ही साथ मांग कर रहे थे कि 304 धारा लगाई जाए। तो सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आश्वासन दिया, यूनिवर्सिटी हम लोगों ने, और जो भी कानून के दायरे में रह कर जो भी बेस्ट पॉसिबल मदद होगी इसके साथ के बच्चों की, चाहे आर्थिक तौर पर हो चाहे कानून तौर पर हो, वो हम लोग पूरी तरह से लग के पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसमें करेंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से साथ उसके परिवार के साथ है।